असलाकुम जनाब रूल नंबर चौदह के साथ मैं आपके साथ हूं देर इज ऑलवेज अ रीजन वाई स्टॉक गो अप और डाउन जब भी ऊपर या नीचे जाता है कोई ना कोई रीजन होता है वी यूजली लर्न द रीजन वेन इट इज टू लेट होता क्या है कि फंडामेंटल रीज़न पे पहले बात कर लेते हैं फंडामेंटली कोई ऐसी बात आ जाती है कोई रिपोर्ट आ जाती है कोई ख़बर आ जाती है मार्केट ऊपर चली जाती है मगर ऐसे हालात में जब मार्केट ऊपर जाती है जब तक समझ आती है आपको एंट्री लेने का टाइम नहीं मिलता और आप एंट्री नहीं ले पाते या मार्केट अगर कोई ऐसी खबर आती है तो एकदम नीचे गिर जाती है और आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप मार्केट से निकल सकें तो ऐसे में आप फंस जाते हैं ठीक है अगर टेक्निकली बात करें तो ये तो बड़ा सिंपल है क्योंकि टेक्निकल तो आपको हमेशा ट्रिगर देता है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देता है आपको स्टॉप लॉस देता है तो टेक्निकल पे तो हम ये कह नहीं सकते कि उसने मौका नहीं दिया ठीक है अगर कोई खबर आई जिससे मार्केट ने नीचे गिरना है तो हमारा स्टॉप लॉस प्लेस था क्योंकि ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग जर्नल के मुताबिक हमको स्टॉप लॉस लगाना था तो अगर मार्केट 400 पॉइंट नीचे गिरी तो 50 पॉइंट पे ही हमारा स्टॉप लॉस हिड हो चुका होगा और उसके बाद जो साढ़े तीन सौ पॉइंट होंगे हमें बॉर्डर नहीं करेंगे खते ही बॉडर नहीं करेंगे ठीक है तो इसी तरीके से आमतौर पर क्या होता है कि हम जो देखते हैं वो ये कि जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो फिर गुफ्तु होती है अरे यार आज मार्केट इसलिए गिर गई अब हर कोई रीजन ढूंढता रहता है शाम तक रात गए तक सोशल मीडिया पे हर जगह यही गुफ्तु होती है कि यार ये वजह थी मार्केट गिरने की अब इस डिस्कशन का फायदा क्या है मार्केट गिर गई या मार्केट बढ़ गई आप उसमें नुकसान कर चुके हैं तो अब इस डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है डिस्कशन का फायदा उस वक्त है कि जब गिरने या बढ़ने से पहले आप उसको समझ सकें आप उसको उस सिग्नल को उस अलार्म को या जो भी अलर्ट है उसको समझ सकें और उसका मेरी नजर में वाद तरीक़ेकार जो है वो टेक्निकल अलर्ट है आपके पास अगर ट्रिगर मौजूद है अगर डाउनवर्ड सिचुएशन है तो आप जो है स्टॉप लॉस के जरिए बच सकते हैं रिस्क आपका लिमिटेड हो जाता है तो बेस्ट ऑप्शन नीचे जाने के लिए स्टॉप लॉस है और ऊपर जाने की अगर मार्केट एकदम ऊपर जाती है तो आप स्टॉप बाय लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि टेक्निकली कई दफ़ा कॉल्स में स्पेशली हमारी सेफली इन्वेस्ट की कॉल में ये बात वाजे तौर पर बताई जाती है कि जैसे अगर फ़र्ज कीजिए मार्केट पचास रुपए पे है तो कई दफ़ा हमारी कॉलें ऐसी होती हैं जिसमें बताया जाता है कि जनाब बावन रुपए के ऊपर मार्केट तेज़ हो रही है और एक स्टॉप लॉस भी दिया हुआ होता है तो अगर ऐसी सूरत में अगर अचानक मार्केट ऊपर नीचे होती है बावन के ऊपर जाती है तो हम सोचते नहीं है हमने तो बाय करना है क्योंकि हमारे पास टेक्निकल अलर्ट मौजूद है तो इट इज़ यूजलेस अगर आप बाद में बैठ के बातें कर रहे हैं तो ये यूजलेस है ये किसी काम का नहीं है और ये अगर आप ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग जर्नल को फॉलो कर रहे हैं तो आप ऐसी सूरत में भी कि अगर कोई सिचुएशन अप एंड डाउन आती है तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं बस यही बात इस रूल में बताई जा रही है अगर आप इसको अपने पल्ले से बांध लें तो मैं समझता हूं कि आप इन ताला ऐसी सूरत में कोई बड़ा नुकसान नहीं करेंगे बहुत शुक्रिया